धमतरी जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग बढ़ी रेल लाइन का काम अब शुरू हो गया है। इस बीच रेलवे के द्वारा जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन किसानों को जमीन अधिग्रहण के अवैध में जो राशि दी जा रही है उसे लेकर किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर ब्रामकोड़ा पार समेत आसपास के 10 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि रेलवे की ओर से उन्हें उचित मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता तो उन्हें उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं लक्ष्मीकांत द्विवेदी हूँ, विधिक सलाहकार हूँ कुरुस से। कुरुस विधानसभा क्षेत्र में जो रेलवे की भूमि है 8-10 गांव कोड़ापार से लेके चरमुड़िया तक झंडेसरा तक, वहाँ पे किसान लोग बहुत परेशान हैं। उनको 30 तारीख को सूचना मिला कि आपकी ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन मुआवजा जो है बहुत कम दिया जा रहा है उनको। हम लोग पहले मालूम चला था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जब NH 30 में अधिग्रहण किया गया उसमें जो शहर का भूमि है 5 हेक्टेयर से कम उसमें वर्ग फीट में दिया गया है, और गाँव में भी माने वर्ग फीट दिया गया 5 हेक्टेयर से कम में। अभी जब रेलवे का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसमें सभी भूमि को चाहे 5 एकड़ से कम है उसको भी एकड़ में दिया जा रहा है। इससे इनको क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 11 डिसमिल था उसको 50 लाख मिला है, अभी जो 11 डिसमिल है उसको मान लो 1 लाख 2 लाख मिल रहा है। इस तरह सभी किसान यहाँ बहुत परेशान हैं। हमने अभी अनुभागीय अधिकारी कुरुद में भी आपत्ति किया है, उन्होंने बताया कि ये पूरा जो अधिग्रहण का काम है अपर कलेक्टर धमतरी द्वारा किया गया है, तो हम लोग आज यहाँ आपत्ति देने आए हैं। और यहाँ किसानों का एक और मांग है कि ये किसान बहुत गरीब परिवार से हैं, रेलवे के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है तो चाहते हैं कि रेलवे में उनके एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। आज हम लोग यहाँ कुरुद के सब किसान भाइयों के साथ मुआवजा प्रकरण को लेकर यहाँ कलेक्टर साहब से मुलाकात करने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब से बात हुई है वो नहीं आ पा रहे हैं ADM साहब से मुलाकात करने के लिए। ये जो रेलवे के लिए जो भूमि अधिग्रहण किया गया है वो उसका जो राशि है वो काफ़ी कम तय किया गया है, और उस दिन SDM साहब से जब बात हुई तो बोले 1 गुना और 2 गुना देंगे करके, जबकि यही मुआवजा भारत माला और नेशनल हाईवे बाईपास रोड के लिए 4 गुना तक दिया गया है। और इसी प्रकार रावघाट जो परियोजना बना है उसमें सभी किसानों को, किसान के परिवारों को, एक एक व्यक्ति को नौकरी दिया गया है, तो इस प्रकार का मांग है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो छोटी जो ज़मीन है 12.5 डिसमिल से कम उनका गणना भी इन लोग हेक्टेयर से कर दिए हैं, जबकि सामान्य ढंग से आप या हम या कोई भी किसान जाएगा रजिस्ट्री करवाने के लिए तो उसका जो गणना है वर्ग फुट हिसाब से होता है, तो मुआवजा राशि भी वर्ग फुट हिसाब से ही तय हो, इस प्रकार से हम लोगों का सब मांग है। सेंट्रल की ये चीज़ है तो आपके कहीं ना कहीं सांसद भी हैं महासमुंद के, क्या उनसे भी आप बात करने की कोशिश करेंगे? नहीं, उसमें बातचीत हुई है, लेकिन क्या है भूमि अधिग्रहण का काम जो है ना वो राज्य शासन का है, और राज्य शासन जो तय करती है जितनी राशि की मांग की जाती है भूमि अधिग्रहण के लिए उतने राशि सेंट्रल उपलब्ध करा देती है। तो इस प्रकार इन लोग राज्य सरकार वाले गलत गणना करके भेजे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम लोग अभी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी से भी बातचीत की है, तो वो रेलवे मिनिस्ट्री बात कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो किसानों के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट में और तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे, और भी ज़रूरत पड़ी तो सभी किसान भाइयों के साथ हम लोग हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। ब्रॉडब्रिज बनाने के लिए उसमें सर कभी किसानों को कहना है कि जो मुआवजा मिलना चाहिए वो सही नहीं मिल पा रहा है और मुआवजा बढ़ाने की बात कह रहे हैं सर? देखिए, जो रेलवे की ज़मीन जिन किसानों की ली गई है उनमें मुख्य उनका बिंदु ये है कि 500 स्क्वायर मीटर से जिनकी कम ज़मीन ली गई है, तो जो हमारा 2013 का अधिनियम है आपसी कर नीति के तहत जब हम ज़मीन लेते हैं तो 500 स्क्वायर मीटर से जो कम की ज़मीन है उसको हम प्रति स्क्वायर मीटर के आधार पर हम उसका रेट निर्धारण करते हैं। परंतु जो रेलवे का एक्ट जो अधिग्रहण अभी हुआ है उसमें हेक्टेयर के रेट से हुआ है, तो अन्य से जब वो तुलना कर रहे हैं तो उन्हें अपेक्षाकृत कम मुआवजा लग रहा है, परंतु उनको अवगत कराया गया है कि रेलवे के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप में मिनिमम संभव मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है, इसलिए हेक्टेयर में दर तय किया गया है। तो इसमें जो भी अपील आदि के प्रावधान है उनको इससे अवगत करा दिया गया है, यदि वो चाहेंगे तो नियमानुसार उसमें वो अपील कर सकते हैं। सर, उनका कहना है कि अगर इसी तरह की जो पैसा जो मुआवजा कम मिल रहा है तो हम अभी जमीन को नहीं देंगे, तो ऐसे में जो विवाद की स्थिति खड़ी होती दिखाई दे रही है? देखिए, कई तरह के कन्फ्यूज़न है तो आपसी चर्चा के द्वारा उनको दूर कराया जा रहा है। जैसे शहर क्षेत्र में जो मुआवजा है 2 गुना मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना मिलता है, उससे भी कई किसानों को कन्फ्यूज़न था, परंतु जब उनको अवगत कराया गया तो उस चीज़ों को समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ किसानों को भूमि के मापन संबंधी भी कुछ समस्याएं थी, तो उनको अवगत कराया गया है कि ज़मीन के मापन में यदि उनको बहुत त्रुटि लगती है तो हम उसका पुनर्मापन करा के उनको संतुष्ट करेंगे, परंतु जो भी होगा नियम संगत ही कार्यवाही की जा सकेगी।